हेलो दोस्तों, खानदक देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीरी बोटी कलेजी रेसिपी। तो देखिए, यहाँ पर हमने खीरी बोटी और कलेजी दोनों को मिक्स करके लिया है। तो यहाँ पर हमने छोटा छोटा इसका पीस बना लिया है और इसे गर्म पानी से धोकर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है, तो आज हम कुकर में ही बनाएँगे खीरी बोटी को। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हम इसमें डालेंगे 4 लाल सूखी मिर्च तोड़कर। मिर्च का कलर चेंज हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 4 प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में काट के रखा है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे चलाते हुए हम फ्राई करेंगे प्याज को। इसे लगातार हमें चलाते रहना है और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। डालेंगे इसमें 2 तेज पत्ते, बस इसी तरह से हम प्याज को चलाते रहना है और इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन। इसे हमने दरदरा पीस के लिया है अदरक लहसुन को, और प्याज के साथ ही इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। लगातार चलाते हुए हम प्याज और अदरक को भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए अदरक के साथ 2 मिनट हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे खीरी बोटी कलेजी। और डाल के हम इसे चला लेंगे इस तरह से। डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 मिनट हो गया है तो हम इसे एक बार चला लेते हैं। देखिए, इसमें का जो पानी था वो बिल्कुल सूख गया है। हम इसमें डालेंगे मसाले।
आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला खड़ा था, इसे हमने पीस के लिया है। इसे भी हम चलाकर मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक हमें इसे भूनना है कि मसाले अच्छे से पक जाए, नहीं तो इसका कच्चापन आता रहेगा। अगर मसाले अच्छे से पकेगा नहीं तो इसका कच्चापन आता रहेगा, इसीलिए हमें इसे मसाले को अच्छे से 5 मिनट तक भून लेना है कि अच्छे से पक जाए मसाले। मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए हमें 5 मिनट तक मसालों को भूनना है। भूनते हुए 5 मिनट हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे चला लेंगे एक बार इस तरह से। और गैस को हम कर देंगे हाई फ्लेम पे और इसका ढक्कन लगा के हमें 2 सीटी लगाना है। दो सीटी हो गया है तो हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है। तो ये अच्छे से 2 सीटी में सॉफ्ट हो गया है। अगर चाहते हैं आप ग्रेवी रखना तो इस तरह से रख सकते हैं। अगर चाहते हैं आप थोड़ा और गाढ़ा करना तो इसे हाई फ्लेम पे करके इसे थोड़ा और इसका पानी सुखा लेना है, तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पे गैस को करके हमें इसे सुखा लेना है पानी को, और हमें इसे ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। देखिए इस तरह से इसे चलाते हुए हमने सुखा लिया है तो ग्रेवी गाढ़ा हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने किरी बोटी कलेजी बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।